24 घंटे के अंदर बलिया बैलोन थाना अंतर्गत हुई लूट की घटना का उद्भेदन, सभी अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ साथ लूट की सभी राशि बरामद। कटिहार पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर हुए लूट कांड का खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने नगर थाना में प्रेस वार्ता कर बताया कि चालक ही था घटना का मुख्य साजिशकर्ता। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि शातिर बदमाश के पास से मोबाइल एवं 2,49,500 रुपया भी बरामद किया गया। कटिहार पुलिस ने बड़े लूटकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें कि कटिहार के बलिया बिलौन थाना क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा लड़ाका कम की एक आदमी से लूट कर ली गई थी, जिसको लेकर कटिहार पुलिस ने सजगता के साथ इसको लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन शातिर बदमाश को भी धर दबोचा है। आइए आपको सीधे लिए चलते कटिहार के नगर थाना प्रांगण में, जहां पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी रिपोर्ट को दिखाते हैं। जिसके साथ घटना हुई, ड्राइवर ने मेरे साथी से फोन कर दिया कि आ जाना सब, हम यहां बांध से गुजरे के सब पैसा ले लिया। सब पकड़ा गया, सब 24 घंटा के अंदर ही उद्भेदन हो गया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने सारा प्रक्रिया कर लिया है। अभी लोग जो है जेल जा रहे हैं। व्हाइट वाला बड़ा बड़ा कुत्ता है, जिस पर रखने में अच्छा रहेगा। एक बार पूरा विजुअल बन जाएगा बढ़िया से, उसका अलग बनाओ, उसका अच्छा बनाओ। बिना भी अपना कर सकते हैं, ये भी विमल को मिला है। इसने जीवन नोट का अंदाजा निकलने के लिए एक दूसरे से ब्लाउज मांगे ना, ब्लाउज कहाँ है? ये पैसा भी उसी में है क्या? सब एक ही है और उसमें रखिए सर, बीच में कर दीजिए ना। अच्छा रुकिए, रुपये पूरा खा जाए। 21 अप्रैल की रात्रि को एक बलिया बैलोन थाना अंतर्गत एक ट्रक जो कि मकई जो है वो अपना बेच करके गुलाबबाग से आ रहा था, तो उसके द्वारा जो है रिपोर्ट किया गया थाना में कि उसका जो पैसा था और मोबाइल था वो कुछ लोगों ने लूट लिया। इस पर जो है SDPO बारसोई के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, उसमें जांच पड़ताल हुआ और इनिशियल जो पूछताछ हुआ उससे ये ड्राइवर जो था जो कि साथ में था उसकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई। जब उससे जो है टेक्निकल अनुसंधान हुआ और सख्ती से पूछताछ हुआ तो वो मेन साजिशकर्ता जो है संजीव कुमार रजक, ये आजमनगर का ही रहने वाला है, इसने ही पूरी साजिश रची थी और इसने पहले जो है अपराधी को फ़ोन कर दिया था चलने से पहले कि यहाँ पर जो है बांध पर ये जगह है बरखाल बांध, वहाँ पर जो है इन लोगों ने मिल करके उसका पैसा छीन लिया था। तो इसमें कुल जो है 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कुल राशि है जो कि 2,49,500 रुपये है वो भी बरामद हुई है। उसके बाद जो मोबाइल जो छीना गया था वो भी बरामद हुआ है और उसके अलावा जो है 5 मोबाइल जो इन लोगों के द्वारा घटना में प्रयुक्त हुआ है वो भी बरामद हुआ है। तो लगभग इस कांड का पूरा जो है उद्भेदन हो गया है और जो इसमें अच्छा काम जो पदाधिकारी और कर्मी के द्वारा किया गया है उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए। आजमनगर बलिया बैलोन ये 2 थाना के हैं सब लोग। थैंक यू।